नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जूनियर स्तर का जो आपका एग्ज़ाम्स हुआ है सी टेट 8 दिसंबर 2019 को, उसका संपूर्ण हन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और ये जो क्वेश्चंस का प्रारूप जो हमने हल किया है ये 99% तक एक्यूरेट है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम पार्ट अर्थात बाल विकास से। बाल विकास का ऐप जो सीरीज है मेरे पास बुकलेट की, उसमें पहला ही क्वेश्चन है मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अगला क्वेश्चन है सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों कौशलों मूल्यों और अभिप्रेरणों को विकसित करते हैं, समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो समाजीकरण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं और शक्तियों के अनुसार सीखने की क्षमता है। छठा क्वेश्चन है आपका एक विद्यार्थी कक्षा में कुछ लक्षण प्रदर्शित करता है, उसके आधार पर आपको आंसर देना है, तो सेकंड आंसर इसका राइट आंसर होगा अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के लक्षण है। ये सातवां प्रश्न है आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों के बार बार यह बताया गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन है राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों और उदाहरणों को प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जो है सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा विषय वस्तु तथा बच्चे के संपूर्ण कुशल क्षेत्र। दसवां प्रश्न है कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। ग्यारहवां प्रश्न है एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं के विकास को किस प्रकार से बता सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्ष और कमजोरियों को विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्य को विकसित करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शिक्षा जो कक्षा में पढ़ाने में ध्यान न देने वाले बच्चों किस प्रकार बर्ताव करते हैं, तो सही आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन उनसे बात करेंगे और उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे। संरचनावादी उपागम बताता है कि आपकी संरचना के लिए अत्यंत क्या आवश्यक है, तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान अर्थात चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चौदहवा प्रश्न है बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि को शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा संवाद के द्वारा बच्चों की अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। अगला प्रश्न है कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न है कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा पहला दूसरा तीसरा और चौथा सभी लक्षण जो हैं इसको करते हैं प्रभावित। सत्रहवा प्रश्न है निम्न में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी की गतिविधियों का करने का निर्णय लेता है, इस तरीके से संबंधित क्वेश्चन से राइट आंसर होगा प्रथम ऑप्शन समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। अगला प्रश्न है संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा द्विदिशीय अर्थात दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। बीसवा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर मध्य बालावस्था की क्या विशेषता है, तो सही आंसर होगा आपका राइट आंसर सेकंड नंबर पर तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं।
परिवार और पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यह विभिन्न सांस्कृतिक संबंधों में सार्वभौम रूप से समान है। 23वां प्रश्न है आपका, सभी लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूप विशेषता के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं, तो सही आंसर होगा जेंडर रूढ़िवादिता, थर्ड ऑप्शन। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है, पिता के घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियां करती है, किसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, तो जेंडर रूढ़िवादिताओं को समाप्त करना पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। वाइगोत्सी के अनुसार एक वयस्क बच्चे को निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, इसे क्या कहते हैं, तो पाड़ अर्थात ढांचा। नेक्स्ट है, नूर विद्यालय में अपना लंच वो लाई है, इस तरीके से प्रश्न है, तो राइट आंसर होगा आदान प्रदान परंपरा का थर्ड ऑप्शन। सत्ताईसवां प्रश्न है आपके लिए, बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ में इस प्रभाव को समझना आवश्यक है, तो लेव वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञात्मक विकास से संबंधित जो 6 से 8 के शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 29 क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर्स के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, पैटर्न को खोजने, तर्क से लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क के किस अवधि में विकसित होता है, तो सही आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्लब वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 31वां प्रश्न है, कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, सभी खनिज अत्यधिक होते हैं, धात्विक होते हैं, सॉरी। 32वां प्रश्न है, कुछ मिलान करने हैं आप लोगों को, सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। 33वें प्रश्न में आपको दिए गए हैं कथन, उसी के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा ए गलत है किंतु बी सही है, थर्ड ऑप्शन। 34वां प्रश्न है, कथन जो 19वीं शताब्दी में कई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है, दो कथन है, सही आंसर होगा ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। भारत में आरंभिक मानवों के समझ के लिए इस तरीके से प्रश्न है, सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। 36वां प्रश्न है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में। 37वां प्रश्न जो कथन है दो उसी के आधार पर है, ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है, एक ऑप्शन सही होगा। बी सी ई का क्या तात्पर्य है, बिफोर कॉमन एरा, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, तो महाराष्ट्र के पटने और पुरास्थल शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कुछ कारण दिए गए हैं, तो बी सी डी इसका राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत है, तो बुद्ध की प्रतिमाएँ बनाए जाने लगी, ए ऑप्शन। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है, दिल्ली से बंगाल और सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, दूसरा ऑप्शन। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन कथन गलत है, तो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा, लिखित दस्तावेज रखा है। 1857 के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया अर्थात दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता ये नहीं होगी। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है, सही आंसर होगा लद्दाख।
भारत में अपील प्रणाली पूर्ण जो प्रणाली है किसे कहा जाता है? तो थर्ड आंसर होगा किसी निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। 48वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। 49 से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? पहला ही कथन सही है, विषुववृत्त तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। भारत के दक्षिणी भागों को विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि, तो इसका जो सही कारण है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहता है पवन स्थल। 51 क्वेश्चन है, कौन सा जो सही पर्वत है? तो वो है वारसेज पर्वत, थर्ड ऑप्शन। दो कथन हैं उसी के आधार पर आंसर है, तो आंसर होगा आपका चौथा, ए और बी दोनों सही है, बी सही की व्याख्या ए की। 53वें में भी दो कथन हैं और सही आंसर होगा आपका फर्स्ट, ए और बी दोनों सही हैं, सी गलत है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उत्कापिंड वायुमंडल को किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो मध्यमंडल इसका राइट आंसर होगा। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा है? इस तरीके के प्रश्न है, तो 56वां का राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों सही है। ब्राजील के कंपोस और वेंजुएला के लानेस उदाहरण है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, सेकंड ऑप्शन। जलवायु का संबंध कथन ए और बी है, तो ए पहला, ए गलत है, बी सही है, राइट आंसर होगा। दूसरे में जो लक्षण दिए गए हैं वो है प्राकृतिक गैस, इसका राइट आंसर। 60वां प्रश्न है, भारत का शोध संस्थान जो मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो अंटार्कटिका। 61वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। 62वां है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ कथन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कुछ कथन कक्षा के मानचित्र के प्रयोग के संबंध में, तो केवल ए इसमें राइट आंसर होगा, केवल ए। 64वें प्रश्न में भी पहला ही क्वेश्चन आंसर होगा आपका, ए और सी सही है। इतिहास पढ़ाते वक्त जो वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है उसमें सही आंसर होगा ए बी तथा सी सही है। 66वें प्रश्न का ए सी तथा डी पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। 67वें प्रश्न में दूसरा ऑप्शन सही होगा, ए बी डी सही है। 68वें क्वेश्चन का जो प्रथम आंसर है वो है ए बी और सी सही आंसर होगा। 69वें प्रश्न में केवल ए तथा सी सही है, काफ़ी हार्ड आया था इस बार जो है इस पार्ट को देख सकते हैं आप। तो विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? तो सही आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला इस तरीके से है, तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का एक चित्र प्रदर्शित है। सामाजिक विज्ञान की जो सामुदायिक समृद्ध अध्यापकों को इस तरीके से प्रश्न है, सही आंसर होगा पहला ही ऑप्शन, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए। जेंडर रूढ़िवादी का उदाहरण नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 75वां है, इसमें जो राइट आंसर होगा बी तथा सी पहला ही ऑप्शन। 76वें प्रश्न में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता, तो राइट आंसर होगा ए बी और सी, तीनों ही लक्षण आपके सही हैं। इतिहास जो शिक्षण शास्त्र है प्रयोग करेगा कि,
तो सही आंसर होगा आपका जो यहाँ पर दिए गए हैं चारों ऑप्शंस, उनमें से ए बी और डी को। 78% है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार, तो इस प्रक्रिया से मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया जीवन। भारत का वर्णन करने के लिए विधि विधा में एकता मुहावरे का निर्माण किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं जो मतदान के द्वारा चुने कर आते हैं, तो 2 इसका राइट आंसर होगा। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र में बदल दिया गया, लोकतंत्र इसको कर दिया गया। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहते हैं, तो सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा, सैन्य बल ना खड़ा करना। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की, तो कार्यस्थल पर। 84 है कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो केंद्र सरकार इसका राइट आंसर होगा। ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है नगर निगम वार्ड काउंसिलर। भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या है, तो सही आंसर थर्ड होगा, गिरफ्तारी नज़रबंदी पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। वन अधिकार कानून 2006 से संबंधित क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियां। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है, राइट आंसर होगा थर्ड। 89 जो क्वेश्चन है उसमें कुछ 2 कथन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर होगा कथन बी सही है किंतु ए गलत है, थर्ड ऑप्शन। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का उद्देश्य जो होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर 1, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 91 से आपका 120 तक हिंदी भाषा के प्रश्न, तो देखिएगा यहाँ पर पहले लैंग्वेज 4 में हिंदी को हम सॉल्व करेंगे उसके बाद। तो यहाँ पर देखिएगा वातावरण का विग्रह और समास है वात का आवरण तत्पुरुष, पहला ही ऑप्शन राइट। श्वास और ऑक्सीजन है तो तत्सम आगत, थर्ड ऑप्शन राइट। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि है तो क्रिया विशेषण। गद्यांश की मुख्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, नंबर 4। विनिमय है लेना देना, दूसरा। छानवे का हम सांस के साथ, पहला ही ऑप्शन है, ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 97 में आपका मानव की तरह है, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। 98 में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर होगा। और 99 में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। 100वां जो प्रश्न है इसमें राइट आंसर होगा कलेजे के 2 टूक करना अर्थात मन की कष्ट पहुंचाना। भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है भिखारी अपनी झोली इसलिए फैलाता है। मुंह का जो है अनुस्वार इसमें आएगा। काव्यांश के द्वारा हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है, करुणा। वह आता में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त है, तो भिक्षुक। पेट पीठ दोनों मिलकर एक है इसका क्या कारण हो सकता है, तो कुछ भी भोजन ना करना, दूसरा ऑप्शन। 106वें क्वेश्चन जो कविता के कई बार अभी भी का प्रयोग करते हैं उस तरीके से है, व्याकरण की परिभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आयु अनुरूप साहित्य जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है आयु अनुरूप साहित्य। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में बच्चे भाषा सीखते हैं, तो पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक सांस्कृतिक, तो ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 110, बच्चे भाषा का बेहतर तरीके से सीखते हैं तो भाषा का समृद्ध परिवेश हो, पहला ही ऑप्शन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो जांच सूची। 112वें प्रश्न में है द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या क्या लक्ष्य है, तो बुनियादी।
भाषा के विविध कौशलों को पढ़ने की अनुशंसा की जाती है, तो कर्मिक इसका राइट आंसर होगा। व्याकरण की कौन सी विधि जो है प्रभावी है, तो आगमन विधि इसका राइट आंसर होगा। 115 में जो राइट आंसर होगा विषय की विभिन्न भाषाएं। त्रिभाषा फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन है, तो भाषा स्थिति और संस्कृति दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। लिखने की क्षमता का विकास बोलने और सुनने की पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह कथन विचार है आंशिक रूप से सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में सीखना। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ जो है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पढ़ने का अर्थ है, तो पढ़कर समझना, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको जो है बेहद पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।